हेलो दोस्तों मेरा नाम अमय है और हम एमबीए कॉलेजेस का रिव्यू कर रहे हैं जिसमें कि हम ऑलरेडी बहुत सारे कॉलेज का रिव्यू कर चुके हैं मतलब मोस्टली आई का रिव्यू किया है हम लोगों ने अभी तो बीबी आईम्स और न्यू आईम्स का हो चुका है आज से हम ओल्ड आइएस का चालू करेंगे ओल्ड आइम्स के बारे में मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा यार क्योंकि बहुत लोगों को सारी चीज़ें पता ही है और कंपेयर uh, कर लेंगे उसको कुछ कॉलेजेस के साथ उसकी एलिजिबिलिटी कट ऑफ फीस वगैरह के बारे में बात करेंगे सम अप प्लेसमेंट्स हॉस्टल्स वगैरह थोड़ा बहुत बात कर लेंगे ठीक है और बेबी एम्स के बारे में मैं थोड़ा कंपैरिजन वीडियोस भी डाल दूंगा कुछ के एल आई और ए बी सी के जो कंपैरिजन वीडियोस है वो अलग से भी मैं डाल दूंगा ठीक है एक चीज़ समझो और मुझे आज एक आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है कि देखो यार करंटली uh, जो सिनेरियो हुआ है जो मेंटल हेल्थ को लेकर अभी सब चल रहा है ठीक है मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा ठीक है हम लोग एग्जाम्स देते हैं हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि मुझे ये कॉलेज नहीं मिला मुझे वो कॉलेज नहीं मिला ठीक है यार मैं तुमको हमेशा से एक चीज़ बताता हूँ यार कि कॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं होता है एट द एंड ऑफ द डे तुम क्या कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट होता है ठीक है मुझे मेरे एक सर थे लाइक इट वॉज़ अ वेरी गुड पर्सन ठीक है उन्होंने मेरे को एक बहुत अच्छी चीज़ बताई थी ठीक है लाइक मेरे को भी लगता था ऐसा स्टार्टिंग में या फिर बहुत लोगों को लगता था तो सर हमको क्लास में बताते थे कि बोले कि देखो यार किसी भी एग्ज़ाम या फिर किसी भी चीज़ में इतनी औकात नहीं होती है कि वो तुमको सेल्फ डाउट कराए ठीक है सेल्फ एनालेशन अच्छा होता है पर सेल्फ़ डाउट कभी भी अच्छा नहीं होता है ठीक है कि तुम तुमको इतना कुछ लग जाए कि यार तुम वर्थलेस हो ऐसा नहीं होता यार कोई भी एग्जाम ये डिसाइड नहीं कर सकती है ठीक है तुम्हारा मैथ्स अच्छा नहीं है ये नहीं है ठीक है हो जाएगा कुछ लोग वो एक मिनट में कर रहे हैं तुम लोग को एक घंटा लग जाएगा तो क्या यार तुम तुम मुझे एक बात बताओ अगर कोई चार पाँच साल तक कैट के लिए प्रिपेयर करता है यार वो आई एम निकाल ही लेगा वो कितना भी कैसा भी बच्चा हो वो डेफिनेटली निकाल लेगा कैट अगर चार पाँच साल करके देख लो तुम लोग झूठ लग रहा है तो ठीक है यार तो ये चीज़ होती है ना कि यार अभी मैं मेरे को ये चीज़ बतानी इंपॉर्टेंट इसलिए लगे क्योंकि बहुत सारे लोग अभी प्रिपेयर करते हैं फिर मुझे बहुत सारे क्वेरीज़ आते हैं कि मुझे ये नहीं मिला भैया मुझे वो कॉलेज नहीं मिल रहा है मैं क्या करूँ ऐसा वैसा यार कोई ज़रूरत नहीं है यार Go for your इंस्टिंग तुमको अच्छा कॉलेज मिल रहा है डिसेंट कॉलेज मिल रहा है चलता है बहुत ज़्यादा स्पेंड करने की भी जरूरत नहीं है ठीक है Until टिल वो थोड़ा बहुत एक्रेडिड है थोड़ा बहुत वो सारी चीज़ें देख लो डिग्री वैलड है वगैरह थोड़ा बहुत वो सारी चीज़ें देख लिया करो बट कॉलेजेस सारे ही अच्छे होते हैं इट्स अपॉन यू कि तुम कितनी मेहनत करते हो वहाँ पे जाके बस और कुछ नहीं है और सेल्फ डाउट करना छोड़ दो यार ज़्यादा से ज़्यादा क्य होगा एम नहीं करोगे ना यार बहुत सारी चीज़ें करने के लिए छोटे छोटे बिजनेस से लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं यार बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ठीक है ऐसे मुंबई डब्बा वाला वो सर्किट ही सोच लो यार तुम वो सप्लाई चेन का क्या और वो बंदे ने तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कोर्स नहीं किया था यार है ना जो नीटी से अभी बताते हैं बट वो तो वो बंदे ने तो कुछ नहीं किया था बट वो बंदे ने कितना सही एक सिस्टम बनाया है समझ रहे हो तो ये चीज़ नहीं होती है कि एम करने के बाद तुमको बहुत पैसा मिलेगा ये मिलेगा क्या होगा यार ज़्यादा से ज़्यादा चौ चौबीस लाख से बारह लाख मिलेगा और क्या हुआ और कुछ नहीं होता है ठीक है प्रोडिक्यूअर तो अच्छा और एक चीज़ मैं अभी बहुत सारे कॉलेजेज का रिव्यू कर रहा हूँ तो आप जो कॉलेजे में जाना चाहते हो उसके लिए आपको प्लीज़ नोटिफिकेशन है इसलिए बेलैकन दबा के सब्सक्राइब कर लेना है प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेलैकन दबा देना ठीक है प्लीज़ ये चीज़ कर लेना आज आई एम इंदौर के बारे में चलो बात कर लेते हैं इसके बारे में मैं जब कंपैरिजन करूंगा ना एबीसी वगैरह उसमें अच्छे से बात करूंगा ये सारी चीज़ें आज नहीं करते ठीक है लोकेशन पे बात करते हैं कि स्टेट मध्य प्रदेश में है स्टेट मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी इनका एक सैटेलाइट कैंपस है नवी मुंबई में ठीक है सिटी इनका इंदौर है डेफिनेटली इंदौर एक बहुत अच्छी सिटी अच्छी कनेक्टिविटी है बहुत बढ़िया सिटी है ठीक है एस्टैब्लिशमेंट इनका हुआ था 1996 नाइनटी सिक्स में फॉर्मेंट कैंपस में वर्क कर रहा है ठीक है कनेक्टिविटी के बारे में बात कर लेंगे तो रोड से कुछ फिफ्टी किलोमीटर है एयरपोर्ट से दूर और सेवनटीन पॉइंट टू किलोमीटर रेलवे स्टेशन से दूर बाकी कनेक्टिविटी बहुत सही है यार टेंशन नहीं है ठीक है एग्जाम एग्जाम एक्सेप्टेड इज़ कैट कैट लेता है और जी मैट लेता है ठीक inter uh, है जी मैट फॉर इंटर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स प्रोग्राम्स ऑफर्ड इनके इसमें है पी जो मेन इनका प्रोग्राम होता है पी जी होता है इनके सीट्स बहुत ज़्यादा है ठीक है एक चीज़ समझो इनके पाँच सौ से छः सौ के आसपास सीटें उतने लोगों को रिक्रूट कराना मतलब बहुत बड़ी चीज है ठीक है वो नहीं करा पाते एक ई पी e जी पी करके होता है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम और एक पी एच डी और आई पी एम होता है आई पी एम इज़ फाइव ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स उसमें तीन साल का अलग से ऐसा कुछ बैचलर जैसा होता है और फिर दो साल का आपका प्रॉपर एम बी ए होता है इनकी जो फीस होती है वो होती है सेवनटीन लाख के आसपास कुछ दो साल की आपकी फ़ीस रहेगी उससे थोड़ा ज़्यादा पकड़ लो और बाकी के एक्सपेंसिस वगैरह पकड़ के इसमें हॉस्टल होस्ट, चार्जेस इंक्लूडेड है मैस का भी कुछ स्टार्टिंग का जो अपना होता है ना डिपॉजिट मेस डिपॉजिट वो भी इसमें इंक्लूडेड है ठीक है और कट ऑफ के बारे में चलो बात करते हैं कि देखो यार जनरल के लिए एटी एट्टी एटी सेक्शनल कट ऑफ है और ओवरऑल नाइनटी है ई के लिए भी सेम है एन के लिए सेवेंटी 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 एटी है इसका मतलब ये नहीं कि आपको इससे पे कॉल आ जाएगा इससे थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा डेफिनेटली ठीक है एस सी का भी दिया इन कम है थोड़ा सा ठीक है बाकी उसे और पी डब्लू का भी है देख सकते हो आप उसके बाद कंपोजिट स्कोर के बारे में बात करेंगे तो कैट के ऊपर ट्वेंटी परसेंट वेटेज है अच्छा इसी में इन लोगों ने नॉन इंजीनियर्स और पीजी वगैरह की चीज़ ऐड कर दी है ठीक है ठीक है इनका में वो लोग इंक्लूड करते अकेडमी इन्होंने सिर्फ इलेवन टेंथ और ट्वेल्थ का दिया हुआ है ठीक है टेन टेन परसेंट ग्रेजुएशन ने इंक्लूड किया है नॉन इंजीनियर्स की जो छः परसेंट है जेंडर के जो छः परसेंट है वो इन्होंने कहीं तो भी अकेडमी इंक्लूड किया है मेन अलग से कुछ दिया नहीं है इन्होंने पी के लिए फोर्टी वेटेज है बैट के लिए ट्वेंटी वेटेज है तो फोर्टी ट्वेंटी ट्वेंटी कैट का ऐसा कुछ मिला के इनका और अकेट्स के ट्वेंटी इसे मिला के इनका हंड्रेड परसेंट से कंपोजिट स्कोर बनेगा और आपको कॉल आएगा ठीक है डायर्सिटी के बारे में बात करेंगे बॉयज़ और गर्ल्स बॉयज़ सिक्सटी परसेंट गर्ल्ज इज फोर्टी परसेंट अच्छी बहुत अच्छी डाइवर्सिटी है इंजीनियर्स के बारे में बात करें सेवेंटी टू एटी परसेंट इंजीनियर्स है नॉन इंजीनियर्स थर्टी टू ट्वेंटी परसेंट है फ्रेशर्स के बारे में फिफ्टी परसेंट फ्रेशर्स और फिफ्टी परसेंट एक्स वाले तो अच्छी अच्छी चीज़ है समर प्लेसमेंट के बारे में और इंटर्नशिप के बारे में बात करेंगे तो यार देखो ओल्ड टाइम्स के बारे में आपको इस चीज़ में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा देख सकते हो आप एवरेज टाइपंड इनका वन है जबकि एवरेज टाइपन बहुत अच्छे अच्छा में एक के भी नहीं जा पा रहा है चलो साढ़े चार सौ बैच का मतलब बहुत अच्छा प्लेसमेंट इन्होंने किया है ठीक है आ, बहुत लोगों का हुआ भी नहीं है वैसे ठीक है बट जितने लोगों ने कंसिडर किया है उतने लोगों का अच्छा है ठीक है हाई एस्ट पॉइंट फोर गुड मीडियम स्टाइप इनका दो लाख से टू लाख का है जो टॉप परसेंट बच्चे होते हैं उनको उतने का मिलता है कितना टॉप टेन परसेंट से फिफ्टी परसेंट के आसपास आप कंसिडर कर लो इसमें आपको मेन कंपनीज मिल जाएगी डेलोट है गोल्डमन सेक्स है अब देख सकते होते एन वी अनस्टन यंग इन्फोसिस एल एंड टी बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ मिल जाएगी इसमें आपको देखो कभी कभी आदित्य बिला ग्रुप हो गई या गोल्डमैन सैक्स हो गई बी सी जी ये बहुत सारी कंपनीज कभी आती है कभी नहीं आती है तो आप ये मत पर यहाँ पे आएगी जरूर इतना टेंशन मतलब बी सी जी भी है देखो यहाँ पे बी सी जी भी है बाकलीस भी है बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ यहाँ पे आएगी तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं है ओल्ड टाइम्स में कहीं भी आप ये टेंशन मत लो फाइनल प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे और एवरेज सिटी से ट्वेंटी पॉइंट ऑलमोट ट्वेंटी वन जाता है ठीक है हाइस सिटी सी एटी नाइन इंटरनेशनल फोटी डोमेस्टिक ठीक है मीडियम

ठीक है बिल्कुल ही ज़्यादा जरूरत नहीं है हर एक अच्छी कंपनी आपको यहाँ पर मिल जाएगी मोस्ट फॉबली ठीक है अब चलते कंपेरिजन करेंगे देखो ओल्ड टाइम्स में अगर ए बी सी मिल रहा है तो मत जाना ठीक है कोजी कोहही कोड और कोह कोड लखनऊ मिल रहा है तो भी मत जाना ठीक है क्योंकि कोहिकोड और लखनऊ की एक बात है कि कोहिक कोड और लखनऊ में ना स्ट्रेंथ थोड़ी कम है एज़ कम्पेयर टू इंदौर अब पर इस साल कोहिकोड ने भी 480 कर दिए फिर भी 480 भी इंदौर से कम ही है ठीक है तो आप वो दोनों ज़्यादा प्रीफर करो इंदौर में थोड़ा लास्ट रखूंगा उन सब केस में। के में एम डी आई गुड़गांव के कंपैरिजन में भी मैं आई एम इंदौर को रख सकता हूँ बट एम डी आई गुड़गांव मेरे को ज़्यादा थोड़ा अच्छा लगता है ठीक है आई एम टी गाजियाबाद नहीं आई एम इंदौर जाओ आई एस आई बी एम वगैरह अभी अभी देखो सिर्फ़ एक्सेल आ रहा है एस पी जैन एफ एम एस डेली और एफ एम एस डेली और आई आई एफ टीज़ आई एस सी इन सबको मैं थोड़ा बहुत इन लोगों से कंपेयर कर सकता हूँ बाकी मैं किसी भी कॉलेजेस को इनके साथ कंपेयर नहीं करने वाला हूँ जे बी आई एम एस ठीक है बाकी कॉलेजेस को आर जाना है तो डेफिनेटली एफ एम एस जाओ एन आई टी जाओ आई आई टी जाओ यू बी एस चंडीगढ़ जाओ सिडनम जाओ अभी की सीट में आपको वही करना चाहिए बट ओल्ड टाइम्स भी कोई गलत ऑप्शन नहीं है ठीक है जा सकते हो बिल्कुल जा सकते हो मैं बाकी कॉलेजेस के साथ इसको ये नहीं करूँगा आई एस बी जा सकते हो एक कॉलेज आई एस बी जो है वो जा सकते हो आप टीस वगैरह भी आप सोच सकते हो ठीक है टेस्ट और ये कुछ कुछ जो कॉलेजेस हैं टेस्ट हो गया एफ एम एस हो गया यू बी एस चंडीगढ़ ये सारे आर ओ आई वाइज में बात कर रहा हूँ ठीक है एक्सएल आर आई ओल्ड एम्स वो सब के कंपेरिजन में तो आप वहीं पर जाना आए एम इंदौर मत जाओ फिर अगर एम टी गाज़ियाबाद वगैरह की बात हो रही है एस आई बी एम वगैरह की बात हो रही है तो फिर डेफिनेटली आप आई एम इंदौर चले जाओ ठीक है इतने में बात करूँगा इनके बारे में एंड दैट्स ऑल फॉर today आई एम इंदौर बहुत अच्छा कॉलेज है यार प्लीज़ मिल रहा है तो चले जाओ मेरे हिसाब से ठीक है अगर बाकी कॉलेज में अगर आपको एफ एम एस देखो एक चीज़ बता रहा हूँ मैं अगर आप आई एम अहमदाबाद बैंगलोर कलकटा ब्लैक में से कोई भी आप कन्वर्ट कर पा रहे हो तो आप डेफिनेटली एफ एम एस वगैरह तक भी थोड़ा बहुत कन्वर्ट कर लोगे तो आ रो एवस थोड़ा पैसा बचा लो मेरे हिसाब से ठीक है एंड और एक चीज़ बताऊँगा कि प्लीज़ यार प्लीज़ चाइनल को, प्लीज को सब्सक्राइब कर लेना और बेलाइकन दबा देना क्योंकि मैं बहुत सारे कॉलेज का रिव्यू ऑलरेडीडीडीडीडी कर रहा हूँ ठीक है और प्लीज़ मेरी एक चीज़ याद रखना यार सेल्फ डाउट मत करना कभी भी खुद को यू डोंट नो तुम में कितना पोटेंशियल है ठीक है हर एक इंसान कुछ ना कुछ करने के लिए आया है ठीक है प्लीज़ वेस्ट मत करना दिस प्लीज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू ठीक है आई डू केयर अबाउट ईच एंड एवरी पर्सन आई हैव मेट ठीक है प्लीज़ मेरे को नहीं लगता है कि कोई इतनी सी फालतू बात के लिए ये सारी चीज़ें करना चाहिए प्लीज़ दैट्स टू बहुत बड़ा डिसीजन हो जाता है यार ठीक है प्लीज़ मत करना एंड बी सेफ फालतू की चीज़ें दिमाग में लाओ ही मत बिजी रहो अपना काम करते रहो दैट्स द बेस्ट थिंग टू गेट आउट ऑफ एनी ठीक है चलो यार थैंक यू